उधर इजराइल के हमले में गाजा में एक इमारत आग के गोलों में तब्दील हो गई। दावा किया गया कि यह हमला गाजा पट्टी के बीचों बीच किया गया और जिस इमारत पर हवाई हमला हुआ वो धुंधू कर जलने लगी। और उस इलाके में हवाई हमले के बाद का जो वीडियो सामने आया उसमें एक इमारत आग की लपटों से घिरी नजर आई। हमले के तुरंत बाद ही वहां भगदड़ मच गई और लोग भागते नजर आए। एक तरफ वो इमारत आग में धधक रही थी तो दूसरी तरफ पूरे इलाके में सायरन की आवाज भी गूंज रही थी। और जैसे जैसे इमारत में लगी आग भड़क रही थी वैसे वैसे वहां मौजूद लोगों में दहशत भी बढ़ती जा रही थी। इजराइल की सेना ने यह हमला रात के वक्त किया था, ऐसे में उस इलाके से लोगों को भगाने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी जिसे मौका मिला वो अपनी जान बचाने के लिए भागता नजर आया। थोड़ी देर में हमले की खबर मिलते ही वहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और उस इमारत में लगी आग को बुझाने की कोशिश शुरू की गई। लेकिन इस इमारत में लगी आग को बुझा पाना उतना आसान नहीं था। आग पर काबू पाने के लिए कई घंटे की मशक्कत करनी पड़ी और जब आग बुझी तो वहां तबाही के कई और निशान देखने को मिले, क्योंकि वो इमारत आग में पूरी तरह से जल चुकी थी और जर्जर भी हो चुकी थी। इमारत के चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ था और जब रेस्क्यू टीम उस इमारत के अंदर दाखिल हुई तो वहां धुआं भरा हुआ था जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी और अंधेरे की वजह से उस इमारत के अंदर एक एक कदम आगे बढ़ाना किसी खतरे से कम नहीं था। फिर भी उस इमारत के अंदर टॉर्च की रोशनी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और वहां मलबे में फंसे लोगों की तलाश की गई। बिल्डिंग के अंदर घुसे लोगों ने एक एक कोना खंगाला तो इमारत के बाहर भी घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। इजराइल की सेना के हवाई हमले में सिर्फ एक इमारत को ही नुकसान नहीं पहुंचा था, वहां हुए हमले में कई इमारतें जमींदोज हो चुकी थी जिसकी वजह से पूरा इलाका ही खंडहर नजर आ रहा था। चारों तरफ बिखरे पड़े मलबे और अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन इसके बावजूद रेस्क्यू टीम मलबे में फंसे लोगों को खोजने की जद्दोजहद करती दिखी। वहीं इस हमले के बाद फिलिस्तीन ने एक बार फिर इजराइल पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि इजराइल की सेना ने उस इमारत को जानबूझकर निशाना बनाया, जबकि इजराइल की सेना का दावा है कि उस इलाके में हमास के लड़ाके छिपे हुए थे और उसी वजह से कई दिन पहले ही लोगों को वो इलाका और उस इमारत को भी छोड़ने के लिए कहा गया था। और जब टैंक उस इलाके के पास पहुंचे तो एक बार फिर से लोगों को अलर्ट किया गया, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी लोग उस इलाके से नहीं गए। ऐसे में वहां हमास के लड़ाकों के छिपे होने की आशंका और बढ़ गई, क्योंकि इजराइल का दावा है कि हमास के लड़ाके आबादी वाले इलाकों में छिपकर वहां रहने वाले लोगों को ढाल बना रहे हैं। और दावों के मुताबिक उसी वजह से इजराइल की सेना ने उस इलाके पर बम बरसाए और हर जगह तबाही मचा दी। दावों के मुताबिक हवाई हमले में कई लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।